अगर कोई शख्स आपको कहे कि आज आपको 90 किलो का एक पत्थर उठाना है, तो वो शख्स सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि वो 90 किलो का पत्थर मैं अकेले किस तरह से उठाऊं। और अगर उस शख्स को ये कह दिया जाए कि उसे एक उंगली से उठाना होगा, तो वो जो है कहेगा ये तो नामुमकिन है। तो आइए आज हम एक 800 साल पुराने बुजुर्ग हजरत कमर अली दुर्वेश रहमतुल्लाही ताला अलैह, जिनकी दरगाह शरीफ पूना शिवापुर के नजदीक कायम है, आज भी लोग जो है जियारत के लिए वहां जाते हैं और इस खाकसार को भी जो है उस दरगाह पर जाने का शर्फ हासिल हुआ। और वहाँ एक पत्थर रखा है जो कहते हैं कि उसका अप्रोक्सीमेट वजन जो है 90 किलो है। तो वो क्या राज है, क्या नुक्ता उस बुजुर्ग ने उसमें पोशीदा रखा है, वो क्या करामत है सरकार की कि वो पत्थर को जब 11 लोग मिलकर एक उंगली लगाते हैं और या कमर अली दुर्वेश का नारा लगाते हैं, तो वो पत्थर जो है ग्रेविटी को छोड़ देता है और ऊपर उड़ जाता है। और जैसे ही किसी शख्स की 11 लोगों में से सांस टूट जाती है, तो वो पत्थर जो है फिर जो जमीन पर आ जाता है। तो आखिर इस पत्थर में क्या हिकमत हजरत कमर अली दुर्वेश ने रखा है, आज उसको जो है तसव्वुफ के नुक्ते नजर से और साइंस की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उसमें क्या राज पोशीदा है, क्या नुक्ते पोशीदा है, सरकार की क्या हिकमत थी कि उस पत्थर को अपनी हयात में सरकार ने वहां रखवाया। और 800 साल पुराना वो पत्थर आज भी जब हम कमर अली दुर्वेश पूना में जाते हैं, तो वो पत्थर वही मिलता है और लोग आते हैं और उस पत्थर को जो है अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, रूहानियत के साथ उस पत्थर को जो है हजरत या कमर अली दुर्वेश कहकर जो है उठाते हैं और वो पत्थर जो है उस ग्रेविटी को छोड़ देता है। तो ये कोई करामत से कम नहीं, क्योंकि अगर इस नुक्ते को जानना भी है, तो अगर हम साइंस के नुक्ते नजर से देखते हैं, तो जब न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ नजर करते हैं, जो कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास यानी वजन, तो उस पत्थर का जो मास है वो अराउंड 90 केजी है और एक्सेलरेशन 1 केजी का जो ग्रेविटी होती है वो 9.8 न्यूटन होता है। और उस फॉर्मूले के अंदर, मास इनटू एक्सेलरेशन के अंदर जो अप्रोक्सीमेट ग्रेविटी है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब मैं उसको ज़र्ब देता हूँ किससे, 9.8 सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यानी 11 डिवाइडेड बाय 9.8 सेकेंड स्क्वायर, तो उसका जो एक्सेलरेशन मिलता है मुझे 882 न्यूटन मिलता है। और उस 880 न्यूटन को जब मैं 11 से डिवाइड करता हूँ, तो 80.18 न्यूटन्स यानी पर पर्सन, यानी एक उंगली को जो वजन लगता है जब मैं उसको केजीज के अंदर किलोग्राम्स में कन्वर्ट करता हूँ, तो वो कहता है कि उस 90 केजी के पत्थर को उठाने के लिए एक शख्स की जो शहादत की उंगली है, इंडेक्स फिंगर से उस पत्थर को उठाया जाता है। तो जो इंडेक्स पत्थर पे जो वजन लागू होगा 11 लोगों में इक्वली डिवाइड होता है, और वो एक उंगली पर जो वजन आता है वो 8.2 केजी का वजन आता है। जब हम उस पत्थर को उठाते हैं तो वजन 8.2 होता है। और इस नुक्ते के अंदर दो साइंटिफिक रीजन बहुत अहम है। एक है वो चैंटिंग जिससे फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, क्योंकि
जिसको हम रेजोनेंट भी कहते हैं, और एक है वजन। तो यहां पर दो साइंसी नुक्ते हैं, दो साइंसी फॉर्मूले को हम आज यूज करके उस नुक्ते को जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू 80.18 न्यूटन पर पर्सन। कितने केजी के लिए? पत्थर के लिए मास 90 केजी के लिए, यानी उसको जब मैं केजी में कन्वर्ट करता हूं तो वो कितना निकलता है? 8.2 केजी। तो अगर मैं किसी शख्स को कहूं कि 8.2 केजी का पत्थर आपको उंगली से उठाना है, इंडेक्स फिंगर से उठाना है, तो वो नामुमकिन सा मालूम होता है। और वही 90 केजी का पत्थर जब मैं किसी शख्स को कहता हूं कि आपको उसे उठाना है, तो उसे नामुमकिन सा मालूम होता है, और एक उंगली से उठाना है तो वो भी नामुमकिन सा मालूम होता है। लेकिन जब 11 लोग मिलकर उस पत्थर को उठाते हैं, जब 11 लोगों की उंगलियां, शहादत की इंडेक्स फिंगर जब उस पे लगता है, तो एक उंगली पे 9.2 केजी का वजन आता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोशन। तो ये भी नामुमकिन सा मालूम होता है। लेकिन जब वो पत्थर को उठाया जाता है चेंटिंग के साथ, या कमरली दुर्वेश, तो जहां पर जो रिदम टूट जाती है, सांस टूट जाती है, फ्रीक्वेंसी ब्रेक हो जाती है, वो पत्थर की स्ट्रेंथ जो है वीक हो जाती है, और स्ट्रेंथ वीक होने से पत्थर उस तरफ झुक जाता है और जमीन की ग्रेविटी अपनी तरफ खींच लेती है, क्योंकि वो पत्थर को ऊपर पुल करने के लिए जितनी ग्रेविटी उस पत्थर ने घेरा हुआ है, 998 न्यूटन्स की ग्रेविटी ने घेरा हुआ है, तो उसकी डबल जो है एनर्जी वहां पर दरकार है उसको ऊपर उठाने के लिए, उससे ज्यादा एनर्जी दरकार है। तो मैं यहां जो कहना चाहता हूं कि वो जो 11 लोग पत्थर उठा रहे हैं, तो एक उंगली पर जो है 9.8.2 केजी का जो है वजन आ रहा है, इसको जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आप देखोगे कि वो 90 केजी का वजन जो है उठा लेता है, यानी जो मास क्रिएट हो रहा है, जो ग्रेविटी के बाहर लेकर जा रहा है उसको, पत्थर को, एक उंगली से, शहादत की उंगली से। तो उसके पीछे जो साइंटिफिक रीजन, जो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है, वो ये कहता है कि 8.2 का जो है वजन आएगा एक उंगली पर। और दूसरी तरफ जो चेंटिंग का राज सरकार ने जो रखा है कि या कमरली दुर्वेश कहकर ही जो है उस पत्थर को उठाया जाएगा, तो या कमरली दुर्वेश जब ये कहा जाता है तो वो पत्थर उठता है, तो वहां पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है। एक होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक आवाज की जो अपनी फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है। तो जब आवाज वाली फ्रीक्वेंसी उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है तो वो पत्थर जो है ऊपर उठने लगता है। तो ये दो वजूहात जो है आज साइंस ने हम पर आश्कारा कर दिया, न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ने और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ने, ये समझना हमारे लिए आसान कर दिया कि वो पत्थर हवा में किस तरह से उठ रहा है। लेकिन अचंभे की बात, करामत की बात तो ये है कि अगर किसी शख्स को कह दिया जाए कि ये पत्थर तुम्हें उठाना है, तो मैं समझता हूं कि एक इंसान, चाहे वो 80 किलो का इंसान हो चाहे 90 किलो का इंसान है, तो उसकी अपनी एक स्ट्रेंथ है, वो ज्यादा से ज्यादा 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो, 50 किलो का वजन उठा सकता है एक वक्त में। और उसे अगर 90 किलो का पत्थर उठाना कहा जाए तो ये नामुमकिन सा मालूम होता है। तो वही जो है 800 साल पहले, आप अगर न्यूटन्स की पैदाइश भी उठा के देखते हो तो 350 साल पहले जो है न्यूटन्स पैदा हुआ, और मरकर उसको कितने साल हो गए? 270 साल तकरीबन जो है न्यूटन को मरकर हुए। तो यानी तकरीबन 350 साल का अरसा गुजरा है न्यूटन को, जब उसने दरियाफ्त किया क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जहां से हमें यह समझ में आ रही है थ्योरी कि ये पत्थर उठाना किस तरह से मुमकिन है, और ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का जो फंडा है रखा हुआ। लेकिन ये पत्थर 800 साल पहले जो है सरकार ने अपने मजार शरीफ के सामने रखा और उम्मत को एक बहुत ही बड़ा पैगाम दे रहे हैं। और वो पैगाम क्या है? तो वो पैगाम यूनिटी का है, वो पैगाम इत्तेहाद का है। तो जाहिर में वो पैगाम क्या है? तो जाहिर में पैगाम जो है, अगर कोई काम तुम्हें करना है जो पहाड़ जैसा मालूम हो, किस तरह से मालूम हो? पहाड़ जैसा मालूम हो,
तो वहां पर कंधे से कंधा मिलाकर अगर काम कर लिया जाए तो वो काम भी जो है मुमकिन हो जाएगा। यानी जो काम तुम्हें अकेले करना है वो काम अगर 10 लोगों को जोड़ लिया जाए तो वो काम आसान हो जाता है। यूनिटी जब हो जाएगी इस्लाम के अंदर, जहां पर ख्याल एक हो जाते हैं, जहां पर फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, कौन सी फ्रीक्वेंसी, ख्याल की फ्रीक्वेंसी जहां मैच हो जा रही है, तो वहां पर पहाड़ जैसे काम भी आसान मालूम होते हैं। और जैसे ही जो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है ख्याल की फ्रीक्वेंसी, तो याद रखना कि अगर एक इंसान के दूसरे इंसान के विचार नहीं मिल रहे हैं, ख्याल नहीं मिल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं मैच हो रही है, तो ये याद रखना आसान से आसान काम भी मुश्किल हो जाएगा, दुश्वार हो जाएगा। और वही दूसरी तरफ अगर वो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है इंसान की, तो मुश्किल से मुश्किल काम भी, पहाड़ भी जो है एक जो है कतरा नजर आएगा, एक जो है बहुत आसानी से मसला हल किया जा सकता है। तो ये एक जाहिरी एतबार से जो है सरकार ने एक उम्मत को पैगाम दिया है, तो हम उस पैगाम को लेकर चलेंगे, उस पत्थर से, उस करामत में क्या पैगाम है हम उसको देखेंगे। हम करामत के पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि अल्लाह के वली फरमाते हैं करामत तो अल्लाह के वलियों की करामत तो औरत के हैज के मानिंद है, किसके मानिंद है। तो हम उस करामत के पीछे नहीं चलेंगे, बल्कि उसके करामत के पीछे जो एक रमज है, एक नुक्ता पोशीदा है, एक जो पैगाम सरकार दे रहे हैं, हम उसकी तरफ चलते हैं। आइए अब जरा हम बातिन की तरफ चलते हैं कि रूहानियत के अंदर एक मुरीद जब अपना सफर तय करता है तो रूहानियत के अंदर वो क्या पैगाम लेकर जाए इस करामत से। तो उसके लिए बहुत बड़ा पैगाम सरकार ने दिया है कि जब वो अंदर से बिखरा हुआ रहेगा, जब वो अंदर से बिखरा हुआ है, उसकी एनर्जी बिखरी हुई है, तो ये याद रखना वो रूहानियत के अंदर जो है तरक्की नहीं कर सकता, वो मादियत में ही मर जाएगा, उसको मादियत घेर लेगी। अगर उसको रूहानियत में तरक्की करना है तो उसको मादियत से ऊपर उठना होगा, और मादियत से ऊपर उठने के लिए रूहानियत को बढ़ाना होगा, और रूहानियत को बढ़ाने के लिए अंदर से एक होना होगा, यानी अपने विचार को एक करना होगा, विचारधारा को, सोच की लहर को, यानी अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच कराना होगा अल्लाह की फ्रीक्वेंसी के साथ। और अगर आपको अल्लाह की फ्रीक्वेंसी से अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करना है, तो ये याद रखना रसूल की फ्रीक्वेंसी से मैच करना होगा, औलिया कराम की फ्रीक्वेंसी से आपके ख्याल की फ्रीक्वेंसी को मैच करना हो, अपने पीर की फ्रीक्वेंसी से मैच करना होगा। जब तक वो फ्रीक्वेंसी मैच होगी नहीं, तब तक वो मादियत दूर होगी नहीं, तब तक उसके अंदर वो रूहानियत की एनर्जी जो है, जिसको हम ऊर्जा कहते हैं, वो पैदा नहीं होगी। क्योंकि ये याद रखना खुदा को पाने के लिए बहुत ऊर्जा दरकार है, बहुत एनर्जी दरकार है, बहुत एनर्जी दरकार है, बहुत रूहानियत चाहिए खुदा को पाने के लिए। तो यहां पे वो मैं नुक्ते फिक्र देना चाहता हूं कि अगर एक मुरीद अंदर से अपनी एनर्जी को एक कर लेता है, अगर यानी नफ्स दिल और रूह की एनर्जी, कौन सी नफ्स दिल और रूह, नफ्स में भी एनर्जी है, कल्ब के मुकाम में भी एनर्जी रखी हुई है, और रूह के मुकाम में अपनी एक अलग ऊर्जा रखी हुई है। जब ये तीनों ऊर्जा को एक फ्रीक्वेंसी पर लेकर आ जाता है, क्योंकि ये तीनों अलग फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं, और एक है नेचुरल फ्रीक्वेंसी यानी अल्लाह की फ्रीक्वेंसी, जब ये तीनों फ्रीक्वेंसी एक हो जाएगी और उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मिल जाएगी, तब जो है ब्लास्ट होगा, जिसको इनलाइटनमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनलाइटनमेंट कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं? उसी को बोध हो जाना कहते हैं। उसी वक्त जो है मुरीद क्या हो जाएगा? इनलाइटेड हो जाएगा, यानी जिसे कहते हैं कि अल्लाह के साथ वस्ल हो जाएगा उसका, जब उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी के साथ मर्ज हो जाएगी। तो जब हम उस पत्थर को भी उठा रहे हैं तो गौर करना कि वो 11 लोग उंगली तो लगा रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? या कमर अली दुर्वेश का नारा लगा रहे हैं। और ये याद रखना, ये हमने उस पत्थर को उठाया है तो वहां पर खड़े रहने वाले मुजावर ने हमें ये ताकीदन कहा है कि एक साथ कहना होगा। क्या कहना होगा? एक साथ पुकारना होगा, या कमर अली दुर्वेश। जहां पर एक भी इंसान की वो 11 लोगों में से एनर्जी ब्रेक होती है, साउंड ब्रेक होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्कनेक्ट होती है, वैसे ही वो पत्थर नीचे आ जाएगा वापस से, किधर? मादियत की तरफ, ग्रेविटी की तरफ।
बहुत गहरा लतीफ नुक्ता पोशीदा है इसके अंदर मुरीद के लिए। और यही चीज देखो आप महफिल समा में भी होती है कि समा का मतलब होता है सुनना। समा का मतलब क्या होता है? सुनना। तो जो पढ़ने वाला है वो अल्लाह उसके रसूल का कलाम हम्द और नाद पढ़ रहा है, मनकबत पढ़ रहा है, और सुनने वाले एक फ्रीक्वेंसी से सुन रहे हैं। और जब मुरीद की फ्रीक्वेंसी वहां पर बैठे हुए तमाम बुजुर्गों की फ्रीक्वेंसी से अगर मैच हो जाए तो वहां पर जो है इनलाइटमेंट हो जाता है, वहां बोध हो जाता है, वहां अंदर के दरवाजे खुल जाते हैं उसके पास। क्यों? क्योंकि वो उनकी फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाता है। तो महफिल समा के अंदर भी जो है ये मश्क बुजुर्गाने दीन कराते हैं, वो तालीम व तरबियत खानका में अता करते हैं कि अपनी फ्रीक्वेंसी से उनकी फ्रीक्वेंसी को कैसे मैच करवाना है। इसीलिए आज देखिए जब हम किसी बुजुर्गाने दीन के दरबार में जाते हैं, उनकी मजार पर जाते हैं अकीदतन वो मोहब्बतन, तो ये याद रखना कि हम जब उनकी फ्रीक्वेंसी से मैच करते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी को, तो हमारे अंदर फौरन सुकून दाखिल होता है, हमारे अंदर फौरन जो है हल्कापन महसूस होता है। और यही चीज जो है हमें जो है महफिल समा के दौरान नजर आती है कि जिस्म जो है हल्का होने लगता है, जिस्म हल्का होने लगता है, उसका जो मास है वो हल्का होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट होता है जो ग्रेविटी से बाहर लेकर जाता है उसको, वो ऊर्जा दरकार होती है जो उसको ऊपर की तरफ खींचती है जो मादियत से। इसीलिए कहते हैं कई बुजुर्गाने दीन का ये हाल थी कि उन्हें ऐसा महसूस होता था कि वो महफिल समा के अंदर जो है हवा में उड़ रहे हैं। वो है उनका जिस्म जमीन पर है लेकिन वो अर्श पर है, यानी वो महफिल समा के अंदर वहां नहीं है बल्कि एक सैर कर रहे हैं, रूहानी परवाज में है। तो कई ऐसे मुशाहदे जो है आपको महफिल समा में भी दौरान होंगे। तो जो सरकार की जो हिकमत है, उस पत्थर के पीछे जो करामत के पीछे जो हिकमत है, जो नुक्ता है, जो राज है, जो रमज है, उसको जानना होगा, उसको पाना होगा कि सरकार ने वो हिकमत क्यों रखा अपनी हयात के अंदर। और ये करामत करामत क्यों है? क्योंकि आज से 800 साल पहले जहां साइंस भी नहीं मौजूद था उस वक्त, यानी साइंस ने उस नुक्ते तक पहुंचा नहीं था, उस तहकीक तक पहुंचा नहीं था। क्योंकि मैंने कहा ना, न्यूटन को 300 साल हुए और कमर अली दुर्वेश को 800 साल का अरसा गुजरा है। आप उठाकर देखिए, आप अपनी तहकीक करके देखिए इस मामले के, तो आपको पता चलेगा कि 500 साल का दरमियान में वक्फा है। तो ये करामत से कोई कम नहीं करामत है, लेकिन उस करामत में क्या सबक पोशीदा है तो उसको समझना होगा, जानना होगा, वो तालीमात को लेना होगा। क्योंकि बुजुर्गाने दीन जो महफिल समा का इनेकाद कर रहे हैं, जो सूफियों की महफिल है, वो एक अलग मुकाम रखती है। वहां पर पाने वाला एक लहजे के अंदर जो है विसाले यार हो सकता है, एक लहजे के अंदर जो है अपने मुकाम को पा सकता है, एक लहजे के अंदर। क्यों? क्योंकि वहां पर हजारों लोगों की एनर्जी काम कर रही है। जिस तरह से उस पत्थर को उठाने के लिए 11 लोग दरकार है, क्योंकि इतना याद रखना 11 लोग मिलेंगे तो वो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच होगी। अगर 11 लोग नहीं मिलेंगे, अगर 10 लोग 9 लोग भी उठाएंगे तो वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी, और वो मैच नहीं होगी तो वो पत्थर ग्रेविटी को छोड़ेगा नहीं। इसीलिए जो है 11 लोग दरकार है। उसी तरह से महफिल समा के अंदर क्या है कि तमाम पीराने उज़्ज़ाम, तमाम खुलफाए कराम मौजूद है, उनकी एनर्जी मौजूद है। जब वो एनर्जी एक हो जाएगी तो यहां से वो दर्स मिलता है कि अपनी एनर्जी को कैसे अंदर से एक किया जाता है, किया जा सकता है। तो वो है अकीदत के साथ, वो है मोहब्बत के साथ, वो है इश्क है, वो इश्क ही है जो तुम्हारी एनर्जी को एक कर सकता है अंदर से। वो मोहब्बत ही है, वो अकीदत ही है, वो इत्तेहाद ही है। जब तुम अंदर से एक हो जाओगे, नफ्स और दिल रूह के मुकाम पर एक हो जाओगे, तब वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो जाओगे। और इतना याद रखना ये लताइफ ही है। जब फ्रीक्वेंसी मतलब लताइफ, लतीफे, तो वो लतीफे जब मैच हो जाएंगे नेचुरल लतीफे के साथ, अल्लाह के लतीफे के साथ, अपने पीर के लतीफे के साथ जब मैच हो जाएगा, तो फिर वहां कुछ अलग मुकाम होगा, वहां ब्लास्ट होगा, वहां इनकलाब बरपा होगा, वहां आपकी जिंदगी बदल जाएगी, ये याद रखना। और उस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत एनर्जी दरकार है। इसीलिए एक दायरा बनाकर भी जो है हल्का जिक्र किया जा सकता है, यानी लाउड चैंटिंग किया जा सकता है। चैंटिंग यानी जिक्र करना, लाउड यानी जुबान से जोर जोर से
अल्लाह का नाम लेना, अल्लाह हू पुकारना, जब वहां पे एक एनर्जी मैच होती है तो वहां एक दायरा कशिश शक्ल पैदा होती है जो आपको मादियत से ऊपर उठा लेती है। और यही सेम चीज जो है महफिल समा के दौरान जो है क्रिएट किया जाती है, यानी उस माहौल को पैदा कराया जाता है। पीराने उज्जाम की एक अपनी खास तवज्जा जो है वहां डाली जाती है ताकि मुरीद जो है अपने मर्तबे को, अपने मुकाम को जो है पा सके, पहुंच सके। तो महफिल समा जो है एक बेहतरीन रास्ता है उस मुकाम तक पहुंचने का। और इस पत्थर से हमें वो दर्स मिला, इस करामत से हमें वो नुक्ता मिला कि कैसे जो है एक इंसान अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को ऊपर की तरफ व आसानी की तरफ लेके जा सकता है। तो बस कहने का मकसद यही था कि आज साइंस ने हमें उस करामत को समझने में मदद किया। आज साइंस ने ये साबित कर दिया कि वो एक करामत है कि एक शख्स जो है अपनी उंगली से 8.2 केजी के वजन को किस तरह से उठा सकता है, जो नामुमकिन सा मालूम होता है, तो वो 90 किलो के पत्थर को 11 लोग मिलकर उठा रहे, तो ये करामत से कम नहीं है। तो बस मौला जो है करीम हमें समझ की समझ अता फरमाए, पीर की समझ अता फरमाए, मौला इस नुक्ते को समझने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर वो दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।